हेलो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा या ग्वार फली। मैंने इसके तीन पत्ते लिए हैं और सबसे पहले हम नल के नीचे खुले पानी से इसे साफ कर लेंगे और उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और इसे हम करते हैं छीलना स्टार्ट। सबसे पहले साइड से जो कांटे वाला पोर्शन है दोनों तरफ से उसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे इसका एक और छोटा पीस कर लेंगे। छोटे पीस से छिलका निकालना इजी होता है, तो इस तरह से मैंने इसे एक साइड से छील लेंगे हम चाकू की मदद से। इसमें थोड़ा फिसलन होती है छिलके में, चिकनाहट ज़्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर इस तरीके से आप छीलेंगे तो काफ़ी इजीली इसका जेल निकल जाता है। छिलके को हम साइड प्लेट में रख लेंगे। इसे आप फेस पे लगा सकते हैं और एक स्पून लेंगे और स्पून की मदद से इसका जो जेल है अंदर जो जेली सी है उसे निकाल लेंगे इस तरह। और सारा जो है इसी तरह से हमने एलोवेरा को तैयार कर लेना है, उसका पूरा हम जो जेल है उसे निकाल के तैयार कर लेना है। और जो छिलके बचेंगे उसे आप फेस पे या स्किन में बालों में लगा सकते हैं, बाल भी स्मूथ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जितने भी मेरे पास एलोवेरा था मैंने सारा इसका जो पल्प है वो निकाल लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर में डालेंगे और नल के नीचे से खुले पानी से धो लेंगे और नीचे एक बाउल रखेंगे। इस तरह खुले पानी से नल के नीचे भी धो सकते हैं। और जो हमने नीचे बाउल रखा है अब हमें इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करना है। तो ये जो बाउल है इसमें भी जो जेल है इसमें ये देख सकते हैं आप एकदम चिकना जो है निकल रहा है। इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम लगाएंगे बालों में, बाल धोएंगे तो बाल काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। अब इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है तो इसे हम पर्ल्स मोड पर चलाएँगे। बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है तो उसका पानी ही बन जाएगा, तो हल्का सा पल्प भी रखना है तो इस ढंग से पल्प मोड पे चलाएंगे रोक रोक के मिक्सी को। देखिए बहुत अच्छा सा ग्राइंड हुआ है। कढ़ाई को मैंने रख लिया गैस पे और एक बड़ा चम्मच डाल लिया है देसी घी। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें एक मुट्ठी डाल लेते हैं किशमिश दाख और लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। जैसे ही किशमिश भूनना स्टार्ट होती है एकदम फूल जाती है और इसे हम निकाल लेंगे। प्लेट में दो चार कटे हुए बादाम, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे हल्का सा इसका खुशबू आना स्टार्ट होगा और कलर चेंज हो जाएगा फिर ये है सूखा नारियल खोपरा, थोड़ा सा खोपरा डालेंगे और खोपरे को भी हल्का सा सुनहरी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है मैं लो फ्लेम पे ही कर रही हूँ। अब एक मुट्ठी मैंने डाली है इसमें तरबूज के बीज और साथ में है काजू टुकड़े, जीरा काजू जो है थोड़ा सा वो डाल लिया है। अब हम इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि अगर ज़्यादा करेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। सिर्फ हल्का, जैसे वाटर मेलन के जो सीड्स हैं क्रैक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ ताकि ये निकालते वक्त भी ना जल जाए, अगर ज़्यादा जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब कर देगा, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और मैं सारे सीड्स को निकाल लूँगी प्लेट में। अब फिर से हम गैस ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा घी मैंने एक चम्मच और डाल लिया है और जो हमने एलोवेरा का जेल तैयार किया है वो डाल लिया है कढ़ाई में। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे हाई, क्योंकि इसमें जितना भी है वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है एलोवेरा में, तो इसे हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे और इसे लगातार पकाएंगे, क्योंकि जैसे हम पकना स्टार्ट होएगा ये पानी और भी ज़्यादा पानी छोड़ेगा। तो इसे प्रोसेस को हम शुरुआत में तो हाई फ्लेम पे ही करेंगे और धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। लगभग 5 मिनट लगेंगे और ये देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है। और अब हम डाल लेते हैं इसमें मीठा। तो मीठे के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ देसी खांड। मैंने इसमें 2 चम्मच देसी खांड डाले हैं। आप मीठा अपनी जेल की क्वांटिटी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है मैंने, तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी और जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे ये पक के और ज़्यादा थिक होता जाएगा। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है जैसे पकता जाएगा और देसी खांड के कारण भी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है, इसने भी इसका कलर थोड़ा चेंज किया है। तो मुझे थोड़ा मीठा कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच और ऐड कर लिया है।
और अब ये काफ़ी हद तक पक चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। और अब हम गैस का फ्लेम भी बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। देखिए काफ़ी थिक हो चुका है और जैसे ठंडा होगा इससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए और डाल लेते हैं। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत ही यूनिक आता है। तो ठंडा होने के बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि ठंडा होने के बाद जो है ये देखिए आधे घंटे के बाद ही ठंडा हो चुका और कितना थिक हो गया, बहुत ही मज़ेदार कलर आया है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप एलोवेरा को किस किस तरह इस्तेमाल करते हैं या इसे हलवा बनाते हैं, तो कोई डिफरेंट स्टाइल है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उस स्टाइल से भी ट्राई करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है एलोवेरा को यूज़ करने का तो आप उसे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।